बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े का क्रिस्पी क्रंची नट स्नैक, जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्रिस्पीनेस। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं अपना मज़े मज़े का क्रिस्पी नट स्नैक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडी कर लेनी है आपने इसके लिए डो, जो कि हम ऑलरेडी पहले ही रेडी कर चुके हैं। तो लेना है 2 कप मैदा, 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके आपने एक अच्छे से इसकी थोड़ी सी हार्ड डो रेडी कर लेनी है। ज़्यादा सॉफ्ट डो रेडी नहीं करनी, इस स्नैक में हमें थोड़ी सी हार्ड डो चाहिए। तो मैं रेडी कर चुकी हूँ, अभी से करते हैं साइड पर और चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम रेडी करने वाले हैं अपनी नेट स्नैक की फिलिंग रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसमें हमने ऐड कर देना है 2-3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया है और अब इसे थोड़ा सा पहले गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी, ये देखिए, 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कि एक छोटा सा प्याज इसमें चॉप करके ऐड करना है आपने और इसे सौते कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। बाकी की चीज़ें हम इसके बाद में ऐड करेंगे, पहले से सोते कर लेंगे। प्याज हमारा सोते हो चुका है, अब इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे भी सोते कर लेना है इस प्याज के साथ। अदरक लहसुन भी हमारा सोते हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें शिमला मिर्च का ऐड कर देना है, यानी कि कैप्सिकम। तो 2 टेबलस्पून लेना है, उसे भी इसके साथ सोते कर लेंगे। तो देखिए वेजिटेबल्स को अच्छे से हमने सोते कर लिया है, अब इसमें हमने ऐड करना है 1 कप बॉईल किया हुआ आलू। तो इस तरह से छोटे पीसेस में आपने इसे कट कर लेना है आलू को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे इसमें अच्छे से, देखिए इस तरह से। तो हम स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो आलू जो है हमारे बॉइल्ड हैं, जस्ट इसे हमने इसमें फ्राई करना है इस मसाला में। आती है इसमें कुछ मसाला ऐड करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मसाला को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से भी से हम 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे इसमें। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मसालों की इसमें भुनाई हो चुकी है, अब इसमें हमने ऐड करना है अपना 1 कप चिकन बोनलेस। तो इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में आपने इसे कट कर लेना है इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे जस्ट हमने इतना कुक करना है कि जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए चिकन का। तो इसे इसमें कुक कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी स्टफिंग जो है बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है आपने इस तरह से, और इसे मिक्स करके अब हमने कर देना है जी साइड पर, यानी कि इसे निकाल कर किसी प्लेट में साइड पर रख देंगे स्टफिंग को, ताकि थोड़ा सा ये ठंडी हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है पहले इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब अपनी डो जो है उसे निकाल लेना है इस तरह से, और इसके जो है हमने 2 हिस्से कर लेने हैं, यानी कि 2 पेरे। पहले इस तरह से एक हिस्से को पेरा टाइप बना लेना है, और अब इसे हम बेल लेंगे। पहले हाथों से थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे। तो मैदा लगाते हुए इसको आपने बेल लेना है अच्छे से, नॉर्मली बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं बेलना। चलिए बेलते हैं अब। तो देखिए इस तरह से मैदा लगाते हुए बेल लेना है। तो देखिए इस तरह से इसे आपने बेल लेना है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस तरह से इसकी लेयर इतनी होनी चाहिए। और अब इसे हम कट करेंगे, यानी कि इसे बॉक्स शेप देनी है, इसका फालतू जो हिस्सा है वो कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे हम बॉक्स शेप देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल इसे बॉक्स शेप दे देनी है, और उसके बाद आपने दोबारा से पिज़्ज़ा कटर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से 3 इसमें लाइन लगा देनी है इस तरह से, ठीक हो गया। और अब हम इस तरह से 2 लाइन इस तरह से लगानी है और 3 इस तरह से, हो गया। तो चलिए पहले मैं आपको एक नट स्नैक रेडी करना सिखाती हूँ, बाकी के भी हम उसी तरह से रेडी करेंगे। तो इस तरह से पहले आपने इस तरह से एक लेयर ले लेनी है, उसके बाद इसके ऊपर रखनी अपनी रेडी की हुई स्टफिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे सेट कर लेंगे,
देखिए इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। बस 1 टेबलस्पून भरकर ऐड कर देना है आपने, तो ये सेट हो गया। अब आपने दोबारा से लेनी है इस तरह से एक पट्टी, इनके साथ से मैदे की एक पट्टी लेनी है इस तरह से अपने नेट स्नैक की, इसमें डायरेक्ट रहीम। और अब इसमें हमने जो है कट लगाने हैं, जो कि आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो देखिए पिज्जा कटर से हम कट लगाएंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस तरह से। तो कट जो है जस्ट इतना होना चाहिए इसका, 1/2 इंच, और इधर से भी 1/2 इंच जो आपने छोड़ देना है। तो इसकी साइड से भी 1/2 इंच आपने छोड़ कर कट लगा देने हैं। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आप, देखिए इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद से उठाकर इसकी साइड्स को जो है इस तरह से चेंज करना है आपने। चेंज करने के बाद इस तरह से इस लेयर को उठाकर इधर लेकर आना है, देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर ज्वाइंट कर देना है। इसी तरह से इसे भी करना है, इधर लेकर आना है और इसे ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए इस तरह से आपने इसका एक डिज़ाइन रेडी कर लेना है, इस तरह से फोल्ड करके। तो लेना है अपना रेडी किया हुआ स्टफिंग वाला, और उसके ऊपर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इस तरह से उठाकर इसे रख देना है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसे रख कर इसकी साइड्स को जो है प्रेस कर देना है इस तरह से। ये देखिए इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे हम, ठीक हो गया। तो हमारा नेट स्नैक जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का। तो अब इसे हमने फ्राई करना है, तो इसकी साइड्स को जो है अच्छे से प्रेस करना है आपने, ताकि इसके साथ ये ज्वाइंट हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमने एक पेरे से तकरीबन 7 अपने नेट स्नैक जो है रेडी कर लिए हैं। तो चलिए चलते हैं अब इन्हें फ्राई करते हैं। लेना है आपने पैन, जिसमें हमने ऐड कर लेना है ऑयल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ऑयल ऐड कर लेंगे, तो ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, तो ऑयल ज़्यादा सारा ऐड करना है ताकि इसमें डिप होकर ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए ऑयल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी पहले। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम रखते हुए इन्हें बिल्कुल लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इस तरह से एक पहले ऐड करना है इस तरह से, तो एक एक करके हम इन्हें फ्राई करेंगे, ज़्यादा एकदम से नहीं ऐड करेंगे, एक एक करके मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे फ्राई करना है, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से ऑयल थोड़ा थोड़ा सा ऊपर डालते जाना है, ताकि ऊपर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए, कच्चे ना रहें। तो फ्राई जो है बहुत एहतियात से करना है, स्टफिंग जो है बाहर ना आए। देखिए इस तरह से बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, क्रिस्पी क्रंची, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे हम। तो देखिए हमारा नेट स्नैक जो है फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिसमें आपने पेपर रखना है, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो अच्छे से निकल जाए। तो देखिए इसी तरह से हम सारी रेडी करके नेट स्नैक आपको दिखाते हैं, इनकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है हमारे बहुत ही मजे के नेट स्नैक। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहेगी। अल्लाह सबको अपने जमान में रखे और हर बुरी मुसीबत से बचाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।